हिमाचल में सेब के दाम औंधे मुंह गिर पड़े हैं। सियासत भी सेब के इर्द गिर्द घूमने लगी है, जिसके चलते कुसुमटी के कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने सरकार पर सेब के दाम को जानबूझकर गिराने का आरोप लगाया है। कुसुमटी विधानसभा के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पिछले 15 सालों से सेब के दाम बेहतर स्थिति में बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ बना रहे थे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बागवान आहत हुए हैं। दाम जो अभी गिरे हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से बहुत अच्छे दाम चल रहे थे, एक क्या रीजन है जो सेब के दाम गिरे हैं? ये जो अदानी अंबानी जो सेब खरीद रहा है, पहले इन्होंने ऊंचे दामों में खरीदे और छोटे आर्थिकों को खत्म किया। आज जो है इन्होंने सीए स्टोर बनाए हुए हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाई है, पर अपना ही सेब रखने लोगों को रखने नहीं दे रहे, और ये पेरिशेबल चीज़ होती है, लोग मजबूर हैं कम दामों पे। इन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है, सरकार को देखना चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसे सरकार के जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि अपनी अपनी गाड़ियों में लगा के खुले सेब बेचो, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और सरकार को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ज़िला ना केवल हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में होता है, और लोगों का पूरे साल की रोजी रोटी, बच्चे पढ़ाना, हर चीज़ जो है सेब के ऊपर निर्भर है। सरकार को सोचना चाहिए और समर्थन मूल्य जो है इसका बढ़ाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।